कैसी तबीयत है आपकी? खूबसूरत खूबसूरत तो खैर आप बहुत लग रहे हैं। और ये बताइए कि मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आप कहाँ से आपका ताल्लुक है, आप पैदा कहाँ हुए थे? पैदा मैं होशियारपुर में। होशियारपुर में जो ईस्ट पंजाब में। अच्छा, वहाँ से हिजरत करके। तो आपकी किस फैमिली से ताल्लुक था, मतलब आपकी जो ग्रीन आईज और खूबसूरती, ये पठान या पठान न्याजी पठान होते? अच्छा, पठान फैमिली से ताल्लुक था। तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड कोई लिखने पढ़ने वाला, वालिद या कोई और किस्म का? वालिद उनकी सखावत की शोहरत तो सुनी है जी, दूसरों की मदद करने की जरूरत देखा नहीं। अच्छा, मैं एक बरस का था। अच्छा अच्छा, तो लिखने का किस तरह पता चला, कब ये पता चला कि आप लिख सकते हैं, आप शेर कह सकते हैं? ये मुझे कुछ नहीं पता चलता, शायरी एक ऐसी चीज है जो चुप करके दाखिल हो जाती है। कहते हैं कि शायरी लिखने के लिए मोहब्बत होनी जरूरी है, ऐसा क्या है? कुछ इंस्पिरेशन चाहिए होती है, कोई ख्याल खूबसूरत? मोहब्बत दरअसल हमारे यहाँ को फिल्मी किस्म की चीज बना। हाँ जी बिल्कुल, मैं जब उन्हें कहता हूँ मैंने 40 मरतबा बल्कि शायद इससे भी ज्यादा मोहब्बत की है तो वो मानते नहीं, आप एग्जैजरेशन कर रहे। अच्छा, मैंने कहा नहीं, ये हमारे एक गलत रवायत है, एक सोनी एक नहीं बात, तो ऐसी बात नहीं है, मोहब्बत हो जाती है आराम से। बहुत मर्तबा, बहुत मर्तबा, ये देखिए कितने पते की बात की है। कोई खास वक्त होता है जिस वक्त आमद होती है, कोई खास माहौल होता है, या आप आराम से बैठे बैठे जब चाहे शेर कह देते हैं? नहीं नहीं, वो वर्सिफिकेशन होती है जी, टॉपिकल में लिखना, हादसा हो गया लिखते हैं, पोइट्री नहीं जी। बिल्कुल, क्रिएटिविटी मुश्किल एक डीपर लेवल पर सोचना, लिखना कुछ चाहते हैं निकल के दर जाते हैं, किधर जाता है। तो आप जब लिखते हैं तो आप बार बार उसको देखते हैं या आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं एक दफा ही लिखने से? नहीं, कई दफा तो एक ही दफा ठीक लगता है, कई दफा 40 मिनट तसल्ली नहीं होती। एक नज़्म लिखने लगा जी, कोई 35 नज़्म मिसरे लिखने के बाद पता चला कि ये तो 3 लाइनों में लिखी जा सकती 3 लाइनों, फिर सारी काट दी, फिर 3 में लिखी। इबादत क्या है जी, ये मानता। अच्छा, क्या लिखा फिर आपने, कुछ याद है? ना। कुछ याद नहीं, जो कुछ लिखा आपको याद नहीं रहता? नहीं, अपनी किताबें पढ़ते कुछ याद रहता है। अच्छा, मुशायरों में पढ़ते हैं जी जी, और कई लोग बार बार पढ़ना पड़ता है, पढ़ने पर याद रह जाता है। लेकिन कितनी किताबें लिखी हैं आपने? कोई 17 किताबें। 17 किताबें, कुछ पंजाबी में 5 पंजाबी की, 5 और 12 के करीब। फिल्म के लिए भी आपने लिखा? कौन कौन सी फिल्मों में? फिल्म में माहौल अच्छा नहीं था उस वक्त भी, अच्छा नहीं था, गंदा माहौल था। यानी वो तो अब हालात ऐसे हैं कि नहीं लिख सकते, लेकिन उस वक्त जिस वक्त आज से बहुत साल, उस वक्त तो बहुत ही बुरा था। अच्छा, जितना इंडिया से मार खाए हुए लोग, गंदे लोग,
खुश लोग, उनकी अक्सरियत इधर आ गई। नया मुल्क ठीक है, जैसे हर आदमी आया कि नया मुल्क बना कुछ लूटने को मिले। तो कौन सी फिल्म का आपने कौन सी फिल्म के लिखा? कई फिल्में, कई उनमें बनी। आप बताइए आपने कौन से गाने सुने थे इनके? शहीद का मैंने तो सुना, शहीद का उस बेवफा का शहर। तो आप लिखते थे जब उस वक्त, जो भी आपने गाने लिखे उसका जब म्यूजिक बनता था तो वो आपको अच्छा लगता था उसके मुनासिबत से? मैं कोशिश करता था कि मेरे मुनासिबत, मेरे मुताबिक। आप ये नहीं बताते थे कि ये सिंगर होना चाहिए, ये म्यूजिक डायरेक्टर होना चाहिए? आपको दिल करता था कि ये? कहता था, कहते थे आप। तो वैसा ही हुआ? कभी होता था, कभी नहीं। कभी नहीं होता। फिर आप मायूस हो गए? मायूस को फजा पसंद नहीं आई। नहीं पसंद आई? फजा पसंद ना आए तो मैं वहाँ रह नहीं सकता। एक आदमी पसंद नहीं आया, मैं उसे अलग होके रहता हूँ। तो खातून पसंद नहीं आई, उससे अलग। खातून पसंद नहीं आई लेकिन 40 दफा मोहब्बत जरूर हुई। पसंद जो आई वो आपके साथ है थोड़ी जहाँ। ये आप पक्की पसंद आ गई ना आप पास? सही, वो जो आती जाती रही उनकी कोई बात नहीं? कोई बात नहीं। वो तो सिर्फ देखे ना, किताब भी तो मुकम्मल करनी होती है, शायरी के लिए भी तो चाहिए होते हैं ना। अच्छा ये बताइए कि आप जैसे लोग, आप जैसे अदीब शायर खास क्लास से ताल्लुक रखते हैं जिनको पैसा जमा करने पे या पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई यकीन नहीं होता, कुछ नहीं करते कि ऐसा आप जमा कर लें या पैसा बना लें, मैं जानती हूँ बहुत खास हमारे ऐसे और लोग भी हैं, तो अब आप अपनी जिंदगी से उम्र के हिस्से में, इस हिस्से में मुतमईन हैं क्या? आप ये नहीं सोचते कि आपको थोड़ा पैसा जमा करना चाहिए था? वो तसलसल जो नज़्म के बारे में होता है जी, वो इतना मसरूफ अपने आप में रखता था कि और चीजों को ध्यान नहीं जाता, पैसे की तरफ ध्यान नहीं गया, बस जिंदगी चल रही है तो पैसे की तरफ अब भी ध्यान नहीं जाता ना, ये यार अच्छा लिखे हैं, अच्छी नज्म हो जाए, पैसे की तरफ मैं ध्यान लगाती रहती हूँ कि आखिरकार हमने बूढ़े होना है जी, हमारे बच्चे भी नहीं है आपके, तो बच्चे क्या होता है, कम से कम हमारे बुढ़ापे के लिए कोई नहीं। लेकिन ये सुना है, सुनते रहते हैं कि प्लॉट या कोई एक नहीं, हमें कोई ऐसे, ये तो मुझे मिले। अच्छा मिले, मुरब्बा जमीन दी, गाड़ी दी। अच्छा यहाँ हर क्रिएटिव आदमी की मुखालफत होती है, मुखालफत होती है, नॉन क्रिएटिव आदमी यहाँ बहुत कम है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि है। जी बिल्कुल, क्रिएटिविटी तो तख्लीक पाकिस्तान के साथ ही गई, और तख्लीक ना हो तो फिर तकरीब उसकी जगह पर आ जाए। अच्छा वो जमीन जो मिली आप बता रही थी उसका क्या वो हुआ? नियाई साहब की जद्दी जायदाद थी, हुकूमत ने नहीं दी। अच्छा तो उसका भी ये हुआ कि अलाट की और फिर कैंसिल कर दी। कहाँ थी वो? अकालगढ़ में, मतलब हुकूमत ने क्या नाम होता है, उनकी अपनी थी, अपनी आबाई जो थी। हाँ नहीं थी, जमीन तो थी नहीं, मतलब यूनिट थे। अच्छा तो उसके एवज अलाट की और फिर हुकूमत ने खुद ही कैंसिल कर दी। क्यों? पर महकमे ने क्या वजह? बस ऐसे ही कि आपको इसका मुआवजा दिया जाता है, तो मुआवजा खुद ही लिखते हैं कि ये 97 लाख की जमीन थी और 9,22,000 नहीं 97 लाख की, हाँ, और उसका मुआवजा हमें 9,22,000 रुपए दे देते हैं कि ये है। अच्छा। तो कई दोस्तों ने इन्हें मशवरा करा कि इन हालात में हैं तो आप ये भी ले लेंगे, ये भी हाथ से नहीं जाए, लेकिन परसों करते रहे। न्यायी साहब कहाँ इन्हें लिखने से फुर्सत हो तो किसी को कहें। कई बार मैंने कहा कि परवेज इलाही को मिले, कहें कि ये तुम ये हुआ था तो अब ये कुछ भी नहीं किया। अभी हम एक आपका बड़ा खूबसूरत सा वो तराना मेहदी हसन साहब का और आपका भी देखते रहे हैं। हाँ जी, पिछले दिनों बहुत चला है। हाँ तो उस पे पैसे वैसे कुछ मिले? हाँ बस थोड़े से जी। कितने मिले? 15,000 रुपए दिए थे। 15,000? हाँ। अच्छा बहरहाल क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। अच्छा तो वैसे अब कैसे गुजारा वगैरह चल रहा है? आपके तो बच्चे भी नहीं है। बस किताबों की क्या मिलता है कुछ रॉयल्टी? किताबों में थोड़ी सी रॉयल्टी देकर फिर उनके देखने को आंखें तरस जाती हैं। 15 किताबों का मुसन्निफ के बेहतर माशरे में होता तो काफ़ी मेरा मतमफ़।
यहाँ नहीं है। आप जब खुद बैठ के कभी पढ़ना चाहे तो किसको पढ़ते हैं? शायर आपके पसंद के कौन? मैं सभी को पढ़ता हूँ। अच्छा, सभी को पढ़ते हैं। और बुरा भी कम ही कहता हूँ किसी को कि ठीक है इतना आती है। जी, ये नए आने वाले जो हैं इनको भी पढ़ते हैं? इनको भी। अच्छा, वो अच्छे लगते हैं आपको या थोड़ा बहुत इसलाह की जरूरत है उनको? आप बताते हैं उनको कि ये मुझे पता है कि जितनी रेंज है जी, जितना सोचने का अंदाज है वो तो है, इससे तो बढ़ नहीं पाएंगे, उसके मुताबिक उन्हें नंबर दे देता हूँ। आप बताइए कि इनके साथ इस सफर में चलते हुए अब तो आप इनकी बहुत केयर करने की जरूरत पड़ती होगी जी, जाहिर है आजकल जरा तबीयत भी ठीक नहीं है। इतने खूबसूरत, वेल ड्रेस, इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं, आप सजाती बनाती हैं इनको? जाहिर है, ये पहले से भी वैसे कहते हैं, मैं पहले भी बहुत हाँ, बहुत अच्छा अच्छे शौकीन थे। हाँ जी, तो ये सब ड्रेसिंग मैचिंग वगैरह आप करती हैं? हाँ जी। आपकी कितनी माशाल्लाह एज होगी? मेरी 70। 70 साल। इस उम्र से इतने लंबे इस अरसे में आपने जिंदगी से क्या सीखा और क्या खोया और क्या पाया, निचोड़ बताइए। परेशानी के अलावा और क्या सोचा कि आपको क्या करना चाहिए था जो आपने नहीं किया, जिसकी वजह से कोई पछतावा हो? सोचा ही नहीं, तो पछतावा क्या था? सिर्फ लिखने पे जोर रहा, कुछ नहीं सोचा? अपनी जिंदगी से मुतमईन है आप? सेटिस्फाइड? कोई नहीं कि ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, यूं कर लेता, बिजनेसमैन हो जाता तो कितना अच्छा था, प्लाजे खड़े कर लेता तो कितना अच्छा होता, इलेक्ट्रिशियन हो जाता। इलेक्ट्रिशियन? इलेक्ट्रिशियन के पास इतने पैसे नहीं होते, बड़े पैसे। यहाँ आपके पास तो आप बता रही थी कि कुर्सी की जरूरत है, कोई कमर में तकलीफ है तो आपने कुर्सी वर्सी बनवानी है कोई? बनवा लेते यार, मतलब नहीं, सब कहना नहीं चाहते कि हम दुख में हैं। आप बता रहे थे कि किसी ने कॉलम में लिखा था आपके बारे में, अभी तो क्या लिखा था उसमें? कि गुर्बत का ऐसे लिबादा उड़ा हुआ है या चर्चर लाखों का मालिक नहीं, लेकिन वो कैसे हैं आप लाखों के, आपके कोई मिलशिल है? पंजाब में जो शहर छोड़कर आए थे जी, उसका मतलू का जायदाद का मुआवजा कितना, वो जो आप बता रही हैं? हाँ, 9 लाख से। 9 लाख की वजह से आप बहुत अमीर हो गए? बहुत अमीर। 9,20,000 तो यहाँ के राइटर्स ने दिया ना। अच्छा, वो 4 सूबों के राइटर्स, वो 5 लाख जुबैदा जलाल ने, 9 लाख नहीं, वो 5 लाख। 9 लाख तो जमीन का मिला, जमीन का मिला, तो उन्होंने इसको मिला जुला के रखते होंगे सब, ये नहीं मालूम कि इतनी जिंदगी गुजार रहे हैं, खर्चे हैं, दवाइयां हैं, मकान के कर्जे अदा किए, कर्ज लेके हमने ये 2 कमरों का घर बनाया था जो आपने देखा, तो ये सब कुछ देना लेना पड़ता है, तो वो कोई रखे रहेंगे अब इतनी महंगाई में? खर्चा आपका आजकल चल रहा है, जाहिर है औलाद नहीं है, कोई सही कमाने वाला भी नहीं है। आप आजकल लिखते हैं? कभी लिखता हूँ कभी नहीं। कभी एक आधा शेर आप संभाल के रखती हैं ना? हाँ जी। ऐसा ना हो इधर उधर आप? नहीं नहीं। और उसकी किताब कब तक आ जाएगी जो आप थोड़ा थोड़ा सा लिखते हैं? मैं जाते हूँ, बहुत शुक्रिया आपका, ये मेरे लिए इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी किताब मुझे मिलेगी। और अब आप जब जो अब लिख रहे हैं आजकल, थोड़ा थोड़ा सा कह रहे हैं आप लिखते हैं, तो वो हमें कब तक हमारी आंखों के सामने आएगा? मेरा अंदाजा जल्दी आएगा, जल्दी आएगा। रात भी माशाल्लाह लिखी है शायद 2 नज़्में, एक गजल। अच्छा, जब लिखने बैठते हैं तो फिर तेजी से आमद होती है या कभी कभी थोड़ी थोड़ी एक शेर आ गया? मौसम से कुछ इसकी है मुनासिबत? मौसम अच्छा हो? अच्छा, दोस्त आ जाते हैं मिलने के लिए? वो ही आते हैं। लेकिन आपका दिल लगा रहता है? दिल उससे लगता है जिससे बातें, जिसकी बातें समझ में आए। सही कह रहे हैं। और हमारी बातें उसकी समझ, जो दिल को अच्छा लगे वो अच्छा लगता है। हम किसी और फ्रीक्वेंसी पर बात करते हैं, वो किसी और फ्रीक्वेंसी पर समझता है, तो यही बात है। मुझे तो बहुत हो रहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आपसे वक्त ले रही हूँ, लेकिन मैं बहुत दूर से आपसे मिलने आई हूँ और मैंने आपसे मिलके ही जाना सोच लिया था कि मैं आपको जरूर देखकर और मिलके जाऊँ। अब जाने से पहले कुछ थोड़ा सा सुना दीजिए। रात को सुनाया था खुर्शीद रिजवी साहब को आपने? देखिए,
सात मंजिल से बहुत नीचे छोटे बहुत 60 मंजिल के मकान, इन मकानों से भरा एक लंबा चौड़ा शहर है। शहर की तामीर और उसका जमाना याद रखने के लिए एक सुतून ऊंचा पुराने यादगारों की तरह। इर्द गिर्द इसके जवान बच्चे पुराने लोग रंगीन औरतें बेकल बहारों की तरह शोर से और चुप से घायल मुस्तरिब और मुख्तलिफ शहर है एक इज्तमाई राजदारों की तरह। बहुत शुक्रिया। और वो किताब जो आपने मुझे देनी है ओए अब मैं किधर जाऊंगी मुझे खूबसूरत कह दिया है बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।